जैसे ही गुरुवार की शाम मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना कर्फ्यू के समय में वृद्धि एवं कठोरता की घोषणा की गई एवं प्रदेश के सभी जिलों में संक्रमण के चयन पर पाबंदी लगाने के भी निर्देश दिए गए कि दतिया कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने मिलकर अपने दल बल के साथ एक अलग अंदाज में दतिया शहर का भ्रमण किया। इस बार भ्रमण में बड़ी गाड़ियों को न लेकर बाइकों का सहारा लिया गया, क्योंकि जहां बड़ी नहीं पहुंच सकती वहां बाइक आराम से पहुंच सकती है। इस भ्रमण के दौरान बेवजह घूम रहे लोगों को चेतावनी देकर घरों में रहने की अपील की गई। साथ ही मेडिकल स्टोर एवं क्लिनिकों पर भीड़ देख गाड़ियों को रोक, सोशल डिस्टेंसिंग एवं एक व्यक्ति के प्रवेश पर हिदायत दी गई। तो हम लोग लगे हैं और आगे भी करेंगे। अगला जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 मई तक और ये जो जनता कर्फ्यू है उसको बढ़ाने का ऐलान किया है। हम लोग भी क्राइसिस कमेटी में इसको अनुमोदित किया है, क्राइसिस कमेटी ने, तो एक ऑर्डर करेंगे एक दो दिन बाद। और अगले जो 10 दिन और बचता है हमारे पास अभी, इसका कोशिश करेंगे 10 दिन में एक संतोषजनक नियंत्रण हो जाए, ताकि हम फिर धीरे धीरे जो व्यापारिक गतिविधि है उसको धीरे धीरे खोलने की स्थिति में, अचानक तो नहीं खुलेगा, धीरे धीरे खोलने की स्थिति में। तो 10 दिन जो अगला है हमारे लिए क्रूशियल है, और कोशिश करेंगे कि जो कोरोना का चेन है जो अलग अलग जगहों से बन रहा है, जो लोग कुछ तफरी करने के निकलते हैं, बेकार के कामों के लिए निकलते हैं, तो उसको तोड़ेंगे, कड़ाई करेंगे और जो दूसरे उपाय हैं वो भी कर रहे हैं। पूरे शहर में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में बताया कि 15 मई तक इसी प्रकार सख्ती को जारी रखना है। शहर में हमारे फिक्स पॉइंट लगे हैं, हमारी 4-व्हीलर से भी पेट्रोलिंग करती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलियां होती हैं जहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं, कट मार के चले जाते हैं जब उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो पूरी एक्सरसाइज थी उसका प्रयोजन यही था कि ऐसी गलियों को हम टारगेट करें। काफ़ी सारे लोग हमें मिले भी अनावश्यक घूमते हुए, उनकी गाड़ियों की हवा भी निकाली गई है, और कल से हम इसी टीम को 4-5 में डिवाइड कर देंगे और लगभग लोगों पूरा जो शहर है उसको सुबह शाम कवर किया जाएगा। मीडिया के और सभी सम्मान्य बंधुओं के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा सभी दतिया वासियों से, जो भी पाबंदियां शासन लगा रहा है उनका पालन करें। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण की दर में कमी आई है, वो बहुत ही अच्छा एक संकेत है, किंतु फिर भी हमें लापरवाह नहीं होना है, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी। दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट।